यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो खेलने वाले कमरे में जाने वाले थे ना। जा तो रहे हैं। टॉप फ्लोर प्लीज। ये मेरे पेड़ के बने घर का खेलने का कमरा है। अरे वाह रिची, यहाँ तो कितने सारे खेल हैं। अपना खेल चुनो ग्लोरिया, तुम सबसे पहले क्या खेलना चाहोगी? इतने सारे खेलों में से चुनना मुश्किल है। टेबल टेनिस कैसा रहेगा? क्यों नहीं, हम डबल्स खेलेंगे, वो भी मशीन के खिलाफ। नहीं डॉलर। डॉलर, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें तो फिर से खेलने का मौका मिला, क्या तुम इसे खेलना चाहोगे? अरे वो क्या है? ये तो मेरे छोटे टीवी का इमरजेंसी सिग्नल है, कहीं पर मुसीबत आई है। ये तो मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला दोस्त सेसिल है। हाय सेसिल, क्या हो रहा है? हेलो रिची, मेरे डैड को तुम्हारे डैड की ऑस्ट्रेलिया वाली खान से $10,00,000 के हीरे चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। नामुमकिन। और तुम्हारे डैड चोर नहीं है, ये साबित करने के लिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। रिची, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूँ? हाँ क्यों नहीं ग्लोरिया, पर पहले हमें प्रोफेसर कीन बीन से मिलना होगा। वो क्या है ना, तुमने जो आविष्कार मांगे थे वो ये रहे रिची। शुक्रिया प्रोफेसर। अरे ये क्या है प्रोफेसर कीनबीन? मुझे ठीक से पता नहीं, या तो ये मेरे तुरंत चिपकाने वाले जूते हैं या फिर मेरे रॉकेट की शक्ति वाले रोलर स्केट्स है। हाँ ये मेरे रॉकेट वाले स्केट्स ही है सच में। शुक्रिया प्रोफेसर कीनबीन, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ये काम आ जाए। मेरा प्यारा दोस्त रिची रिच हमेशा सबकी मदद करता है। अच्छा हुआ तुम मेरी मदद करने यहाँ आए रिची, मेरे डैड बड़ी मुसीबत में है। फिक्र मत करो सेसिल, हम उन्हें बेगुनाह साबित करेंगे। देखो कंगारू। हाँ यहाँ तो हर तरफ तुम्हें कंगारू ही दिखेंगे। तुम अपनी तहकीकात की शुरुआत इस हीरे परखने के कमरे से करो रिची। ये हीरे सीधे खान से यहाँ आते हैं और फिर उनकी जांच की जाती है कि हर हीरा सबसे अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है डॉलर मुसीबत में है। डॉलर तुम ठीक तो हो? शुक्रिया डॉलर, तुमने साबित कर दिया कि इस कमरे से हीरे कोई नहीं चुरा सकता। अब हमें नीचे वाले खान में देखना होगा सेसिल। तो रिची रिच सोचता है कि वो मेरे प्लान पर पानी फेर देगा है? मैं उसे देख लूंगा। ये लिफ्ट हमें नीचे खान तक ले जाएगी, 2 मील नीचे। वो टांग अड़ाने वाले बच्चे अपने ही बचेंगे। रिची हम गिर रहे हैं। इसकी केबल टूट गई होगी, हम गिरने वाले हैं। अगर मैं कुछ करूं तो नहीं, जल्दी इन्हें पहन लो। अब देखो इसका कमाल। ये तो अच्छा हुआ कि मैं प्रोफेसर कीनबीन के हेलीकॉप्टर हेलमेट साथ ले आया था। हाँ, आज तो हम सब बाल बाल बच गए। अरे जरा यहाँ तो देखो, कंगारू के पैरों के निशान। अरे कंगारू जमीन में 2 मील नीचे भला क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता है, पर हम इन निशानों का पीछा करके पता जरूर लगा लेंगे। मुझे आगे कुछ सुनाई दे रहा है। वो रहे हमारे हीरो के चोर।
ये तो डॉक्टर कंगा है, मेरी डैड की खोजक वैज्ञानिक। अपनी अपनी थैलियां भरो, जल्द ही मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। आराम से मेरे दोस्त, तुम्हारे पुर्जे गर्म हो रहे हैं। रोबोट कंगारू, तो ये है उसकी चाल। अब हम क्या करेंगे रिची? इनका पीछा करके वहाँ पहुँचेंगे जहाँ इन्होंने बाकी के चोरी के हीरे छुपाए। पर कैसे? वो तो हमें जरूर देख ही लेगा। मेरे पास एक प्लान है। मैं रिची हूँ आयरोना, मैं रिची हूँ आयरोना। हमेशा की तरह तुम वक्त पर हो आयरोना, शुक्रिया। मैं और क्या कर सकती हूँ? वैसे और कुछ नहीं आयरोना, शुक्रिया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो टाटा। चलो चले। किसी को कभी मेरे खुफिया हीरे के गोदाम के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये है उनका अड्डा, चलो। अरे नहीं, डॉलर अंदर फंस गया। बाबा रे रिची, हम उसे बचाने के लिए अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हम प्रोफेसर के छोटे लेजर से रास्ता बनाकर अंदर घुसेंगे। देखो, मैं इन हीरों को खरबूजे में भरकर देश के बाहर ले जाऊंगा। किसी को शक भी नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। बाप रे, अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? डॉक्टर कंगा का रिमोट कंट्रोल हासिल करके मैं उसके कंगारू उसी पर छोड़ दूंगा और प्रोफेसर कीन बीन का ये छोटा बूमरैंग मेरा काम आसान करेगा। ये क्या, कौन है वहाँ? हम कंगारू के अलावा और कोई नहीं। हार मान लो डॉक्टर कंगा, वरना मैं तुम्हारे रोबोट तुम्ही पर छोड़ दूंगा। अरे वहाँ देखो, वो तो अपना डॉलर है। ना समझ, तुम्हारा डॉगी मेरे कब्जे में है रिची रिच। मुझे मेरा रिमोट कंट्रोल लौटा दो वरना इसकी खैर नहीं। ठीक है, तुम ही जीते कंगा। अलविदा रिची रिच, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए अपना एक कंगारू छोड़े जा रहा हूँ। उन्हें खत्म करो। बहुत अच्छे डॉलर, अब कंगा को पकड़ने के लिए हम कीन बीन रॉकेट स्केट का इस्तेमाल करेंगे। मैं तो उस जासूस रिची रिच को मीलों पीछे छोड़ा है। मैं तो तुम्हारे पास हूँ डॉक्टर कंगा। हाय, अब रुकने का वक्त आ गया। इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा रिची रिच। डॉलर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम घिर गए हैं? बहुत अच्छे चैंप, अब मेरी बारी है। इस बार तुम चूक गए रिची रिच। इस बार तुम समझने में चूक गए डॉक्टर कंगा।
ध्यान से सुन नादान लड़के, तू मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। लगी शर। वाह, तुमने उसे पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे डैड को बेगुनाह साबित कर दिखाया और असली मुजरिम को खरबूजा भी हाथ नहीं लगा, है ना? हाँ, जैसे हाथ में तो आया पर मुंह को ना लगा। मुंह को ना लगा।